गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। हम इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द सेंटेंस। विद एग्ज़ाम में सेंटेंस से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंटेंस का डेफिनेशन देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ये सेंटेंस का डेफिनेशन है। इसमें क्या लिखा है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, वर्ड्स का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ लेटर। जैसे एग्जांपल के थ्रू बी ओ वाई क्या बनता है, बॉय बनता है। अगर इसे डिवाइड कर दिया जाए तो ये थ्री पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बी प्लस ओ प्लस वाई मीन्स ये थ्री लेटर है। ये थ्री लेटर ही आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। वैसे रोहन, आर प्लस ओ प्लस एच प्लस ए प्लस एन, ये जो लेटर्स है सब अपना एक ग्रुप बना के क्या बनाए, सेंटेंस बनाए। तो वर्ड्स क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं सेंटेंस का जो डेफिनेशन है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स वर्ड्स का ग्रुप सेंटेंस कहलाता है। बट हर ग्रुप्स जो वर्ड्स का ग्रुप होता है वह सेंटेंस नहीं कहलाता। वही वर्ड्स का ग्रुप सेंटेंस कहलाता है जो मेक कंप्लीट हो, मीन्स जो अपने आप में कंप्लीट हो, विथ जिसमें अपना एक मीनिंग हो। सेंस, सेंस मीन्स एक मीनिंग हो, जो सेंटेंस में एक मीनिंग निकलता है और विथ जो अपने आप में कंप्लीट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। बट सेंटेंस के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं। ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए सुटेबल पंचुएशन मार्क्स। क्या बोल रहा है इसमें कि इसके अपने एक रूल्स हैं कि इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, विथ इसका जो एंड होता है वो एक पंचुएशन मार्क्स, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। फुल स्टॉप का यूज़ अगर हमसे कोई हमें कुछ कोई बता रहा हो तब हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। जब अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तब हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। और जब जब कोई घटना घटती है विथ हमारे मन में जो भाव व्यक्त होता है उस समय एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो एक्सक्लेमेशन मार्क का ये देखिए, वॉट इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल शी इज़, वह कितनी सुंदर लड़की है। वो क्या अचानक से हमको देख के फील हुआ ना। सेकंड है हाउ लवली द फ्लावर आर, फूल कितने प्यारे हैं। वॉट ए शेम, कितने शर्म की बात है। ऐसे सब जगह पर ही हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस से आप पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस है कि नहीं है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, अभी मैंने आपको बताया था किसका एक रूल है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और एंड में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखिए, इज वैभव ए लेटर इज ए राइटिंग। ये पढ़ने से क्या अपने आप में कंप्लीट लग रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि पहला लेटर, अब मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू से बताऊंगी। ओके, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इस वैभव ए लेटर इज़ ए राइटिंग। अभी मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं कि पहला लेटर कैपिटल होता है और एंड में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाता है और इस पूरे सेंटेंस का अपना एक मीनिंग होता है। बट ना इसमें पहला लेटर कैपिटल है, ना फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क है, ना इस वर्ड में कोई मीनिंग निकल रहा है। अब सेकंड देखते हैं, वैभव इज़ राइटिंग अ लेटर। इसमें फर्स्ट अक्षर तो कैपिटल है बट एंड में कोई भी फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क नहीं है। बट इसे पढ़ने से वैभव इज़ अ राइटिंग अ लेटर इसका मीनिंग निकल रहा है, बट इसका एक रूल फॉलो नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये भी रॉन्ग होगा और फर्स्ट वाला भी रॉन्ग। वैभव इज़ अ राइटिंग अ लेटर।
इसका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है, ये सही हो गया। इसके एंड में फुल स्टॉप यूज़ किया, ये भी सही हो गया। और इसे पढ़ने से भी एक मीनिंगफुल लगता है। तो ये एग्ज़ाम्पल क्या होगा, ये एग्ज़ाम्पल हमारा राइट होगा। अब इसके आगे का मैं आपको दूसरे वीडियो में सेंड कर रही हूँ।